नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज टुडे। जी हाँ दोस्तों, कोश्यारी कमेटी सिफारिश और मिनिमम पेंशन 7,500 पर और उच्चतम न्यायालय ने जो पेंशन भोगियों के हक में फैसला सुनाया था पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 2017 में, उसको कब तक लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कोश्यारी कमेटी की सिफारिश लागू होगी या नहीं होगी, या मिनिमम पेंशन 7,500 होगी या नहीं होगी, उसी को लेकर सरकार का फैसला आ गया है। तो आगे चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या फैसला सुनाया गया है सरकार की तरफ से। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को ये क्वेश्चन किया गया था कर्मचारी पेंशन योजना के संदर्भ में। क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोश्यारी कमेटी ने 186 व्यापार संगठनों जो कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के अंतर्गत कवर हैं, कर्मचारियों को 3,000 रुपये की मिनिमम पेंशन और महंगाई भत्ता देने का सुझाव दिया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि इसको कब तक लागू किया जाएगा। क्या सरकार को विभिन्न श्रमिक संगठनों से अभ्यावेदन और कर्मचारियों से 9,000 रुपये के साथ सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता देने की मांग प्राप्त हुई है जिस पर कमेटी द्वारा विचार किया गया है या किया जा रहा है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्ति के आयु के पश्चात सार्वजनिक परिवहन में छूट दिए जाने जैसे विभिन्न श्रमिक संगठनों की किसी अन्य मांग पर सरकार द्वारा विचार किया गया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 2017 में उक्त मामले में पेंशन भोगियों के पक्ष में कोई निर्णय दिया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे लागू किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं? तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के जवाब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी ने दिए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत सरकार के हिस्से में वृद्धि में वित्तीय अवरोध और कर्मचारी पेंशन निधि की सहविन्यता को बनाए रखने के कारण 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन एवं महंगाई भत्ते हेतु कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को स्वीकृत नहीं किया गया है तथा सरकार के दिनांक 1/9/2014 से ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों के लिए 1,000 रुपये प्रति महीने की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना आरंभ किया है और व्यक्तिगत ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और साथ ही अन्य बातों के साथ साथ पेंशन भोगी संघों ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि एवं जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक के साथ मासिक पेंशन को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। पेंशन नीति की सहवैनियता को ध्यान में रखते हुए इस प्रतिवेदन मांग पर विचार किए जाते हैं और 2017 में उच्चतम न्यायालय ने जो पेंशन भोगियों के पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो फैसला दिया था उसके संदर्भ में सरकार ने जवाब दिया है कि उसको लेकर लागू कराने के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी एक लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।